स्पाइनल डिस्क या स्पाइन में डिस्क क्या होती है? अगर हम स्पाइन को या रीढ़ की हड्डी को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें ऐसे हड्डियाँ होती हैं, पीछे से नर्व जारी होती है और बीच में ये डिस्क होती है। ये डिस्क एक गद्दी की तरह काम करती है। तो जब हम एक नॉर्मल डिस्क को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये डिस्क हड्डी के ऊपर परफेक्टली बैठी हुई होती है, पीछे इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है और यहाँ से इसमें नर्व्स निकल रही होती हैं जो पैर को या हाथ को सप्लाई करती हैं। इस डिस्क के दो पार्ट होते हैं, एक बाहर का पार्ट जिसको हम एनुलस कहते हैं और एक अंदर का पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। जब ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, जैसे जब ये बीच का पार्ट बाहर आ जाए और इस रिम को या एनुलस पार्ट को अपने साथ पीछे ले आए और इस नस के पास आ जाए, तो वो स्लिप डिस्क हो जाता है। नॉर्मल डिस्क इस तरह से अपनी जगह पर बैठी होती है, वो ना तो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही होती है और ना ही डिस्क को। तो ये नॉर्मल डिस्क जो होती है ये एज के साथ साथ डीजनरेट होती है। इसकी हाइट एज के साथ साथ कम होती जाती है। जैसे अगर अभी ये इतनी हाइट है, सपोजिंग 18 साल के लड़के में किसी में, उम्र के साथ साथ ये हाइट डिस्क की कम होने लगती है। और अगर ये पीछे पीछे की तरफ आ जाए, स्पाइनल कॉर्ड को या रूट को दबाने लग जाए, तब उससे सियाटिका के या पैर में सुनपन जैसे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल हेल्दी डिस्क होती है हमारी।